Hello bachcho, good morning to all of you. Today I am going to solve some different question related to the topic polynomial, mainly quadratic polynomial and cubic polynomial. Now let us start with question number 1. If alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to 3xx square minus 4x plus 1, then find a quadratic polynomial whose zeros are alpha square by beta and beta square by alpha. अब क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चन विच पॉलिनोमियल आर गिवन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वी ऑल नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा. तो आई हैव ऑलरेडी सॉल्वड अ सिमिलर क्वेश्चन इन प्रीवियस वीडियो क्लिप. सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो ये पॉलिनोमियल है उसका क्या निकालेंगे हम, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मैंने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू व्हाट, और उसको रिलेट करेंगे इससे. देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर दिस, मतलब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसा फाइंड करो जिसका रूट्स क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा. नाउ कंसंट्रेट ऑन दिस, हियर एफएक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, कितने डिग्री का क्वेश्चन है, 2 डिग्री का, हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा. इन क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एफएक्स इज इक्वल टू व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब ये दोनों को कंपेयर करो, तो ए का वैल्यू कितना नजर आया, 3, बी का वैल्यू माइनस 4, सी का वैल्यू 1, एंड वी ऑल नो दैट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है इसमें, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस 4 बाई 3, ए का वैल्यू 3 है, देखो यहाँ पे, तो 4 बाई 3, एंड अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, सी कितना है बेटा 1, देखो 1 बाई 3 आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा का वैल्यू, यस और नो. अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा. नाउ इफ रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, तो अब इसको क्या जूम कर लेंगे हम, कैपिटल अल्फा, और इसको क्या जूम कर लेंगे, कैपिटल बीटा. नाउ इफ दे अल्फा बीटा क्या हो गया, रूट्स, अगर रूट्स हमको पता है तो इक्वेशन का वैल्यू क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, मैंने सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये एकदम याद होना चाहिए बेटा, ये दोनों के लिए है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी, अब देख लीजिएगा कैसे होता है. ओके नाउ अब के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या जूम किए हम, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा पुट कर लो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा क्या जूम किया, कैपिटल बीटा, दिस इज कैपिटल बीटा, कैपिटल बीटा क्या जूम किया है, बीटा स्क्वायर बाई अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बाई बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाई अल्फा. नाउ इसको सॉल्व करो, क्या बेटा इक्वेशन देखो जरा, ये यही है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा. देखो बीटा से एक बीटा गया, अल्फा से एक अल्फा कैंसिल आउट हुआ. नाउ टेक एलसीएम हियर, कितना हुआ, अल्फा बीटा कैल्सियम अल्फा बीटा, तो ऊपर क्या बच गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. नाउ वी ऑल नो दैट, देखो अभी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये 10 टाइम्स बता चुके हैं, याद होना चाहिए. तो यहां से अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू क्या हुआ, ये प्लस में है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में. सो वन कैन राइट अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू एज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा. सो वन कैन राइट हियर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू एज अ व्हाट, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. अब आप देखो यहाँ पे, वी ऑलरेडी नो दैट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, यस नो, इसका वैल्यू लाकर यहां पुट कर लो, यस यस और नो, हाँ यस. नाउ के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 4 बाई 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू 1 बाई 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 बाई 3 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का वैल्यू 1 बाई 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 1 बाई 3. सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 3 जा 27, ये 3 3 कैंसल आउट इज इधर, माइनस 4 बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 3. नाउ टेक एलसीएम, तो 27 3 का एलसीएम कितना, 27, तो यहाँ क्या बच गया, ओनली 64, यहाँ पे 3 9 जा 27 9 4 जा 36 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 3. सब्ट्रैक्ट करो कितना हुआ, 28 बाई 7 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3. अब ये सबको पता बेटा, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, यहाँ मैंने लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बार बता चुका हूँ आपको, ये सी बाई डी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, डी बाई सी, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 28 बाई 27 इंटू 3 बाई 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 3 3 9 जा 27 क्या गया इक्वेशन, एक के एक्स स्क्वायर माइनस 28 बाई 9 एक्स प्लस 1 बाई 3, दिस इज आंसर. के क्या है यहाँ पे, यानी पॉजिटिव इंटीजर, आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड, यस. नाउ टेक सेकंड क्वेश्चन,
Verify 2, 1 and 1 are zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 4x square plus 5x minus 2, and also verify the relationship between zeros and coefficient. This is what polynomial, but which polynomial? Cubic polynomial. I have already solved such type of question in previous video clip. ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब इसमें क्या करना है? वेरीफाई करना है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 2, 1 एंड 1 क्या है? जीरोज है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इफ यू पुट x इज इक्वल टू 2 हियर, देन वैल्यू ऑफ एफ एक्स बिकम व्हाट? जीरो. एंड इफ यू पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 हियर, देन ऑल्सो वैल्यू ऑफ एफ एक्स बिकम क्या आना चाहिए? वैल्यू ऑफ एफ एक्स शुड बी जीरो. वैल्यू ऑफ एफ एक्स शुड बी जीरो. जीरो शुड बी नॉट, मस्ट बी जीरो. If you put x is equal to 2 here, then a value of fx must be 0. And if you put x is equal to 1 here, then value of fx must be 0. अगर ऐसा है तो 2, 1 क्या है? इसका रूट है. And also verify the relationship between zeros and coefficient. Understood? Now here fx is equal to this. In question it is given that. Having roots इसका क्या हो जाएगा बेटा? Alpha, beta, gamma. क्योंकि cubic polynomial है. इसका कितना roots होगा? 3. Assume कर लिए alpha, beta and gamma. Now, but 2, 1 and 1 are zeros of this polynomial, बोल रहा है. यानी इसका मतलब क्या हुआ? F2, value of F2, F1 should be 0. तो F2 का value निकालो, मतलब put x is equal to 2. x के जगह क्या put कर लिया? 2. Put कर बेटा x के जगह 2, 2 का power cube. कितना ये? 4 into 2 का square plus 5 into 2 minus 2. 2 का power cube 8 minus 2 to the 4 for the 16 plus 5 to the 10 minus 2. 16 minus 16, 0. आ गया? यानी कि 2 क्या है इसका? 0 है. Now put here x is equal to 1. The value of f1 क्या आना चाहिए? This also should be 0. तो f1 क्या हुआ? 1 का cube minus 4 into 1 का square plus 5 into 1 minus 2. So here what? 1 का cube 1 minus 4 plus 5 minus 2. तो 6 minus 6 is equal to 0. आ गया? यानी ये verify हो गया कि 2, 1, 1 क्या है? इस polynomial का क्या है? Zeros है. Why? Because value of f2 and f1 क्या आया? क्या आया? Become zero. That's why. Now assume. अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट क्या है बेटा? अल्फा बीटा गामा. Now assume और रूट दिया हुआ है 2, 1, 1. Now assume अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू 1. तो वी ऑल नो दैट. ऐड करो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हुआ? 2 प्लस 1 प्लस 1 4. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. वैल्यू पुट कीजिए केवल अल्फा बीटा गामा का. कितना आ गया? 5. अल्फा बीटा गामा देखो 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना है? 2. एज्यूम दिस इज इक्वेशन 1. नाउ वी ऑल नो दैट कि fx is equal to x cube minus 4x square plus 5x minus 2 in question it is given that. Now compare this equation with a general polynomial of cubic polynomial. fx is equal to क्या होता है cubic? ax cube plus bx square plus cx plus d. तो a का value कितना है? 1. b का कितना हुआ? minus 4. c का कितना हुआ? 5. d का कितना हुआ value? minus 2. compare कर लिए. तो we all know that alpha plus beta plus gamma क्या हुआ है? sum of roots. क्या होता है always? minus b by a. तो minus b by a करो. b कितना बेटा? माइनस फोर माइनस माइनस फोर बाई वन कितना है? 4. अब क्या हुआ? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. देख लीजिएगा क्यूबिक इक्वेशन में ऑलरेडी हम बता चुके हैं सब. ये सुनो, लिखने आना चाहिए. सब चीज दिया, सब चीज पहले बता चुका हूं. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है? सी बाई ए. तो सी कितना है? 5. ए कितना है? 1. तो 5 बाई 1 5. नाउ अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई ए. तो माइनस डी कितना? डी कितना वैल्यू है? माइनस 2. तो माइनस 2 बाई 1 कितना हुआ? 2. ये हुआ इक्वेशन बी. देख लो यहां पे इसका वैल्यू और इक्वेशन ए में वैल्यू देख लो बेटा. ये हुआ मैच्ड. जब ये मैच हो गया इसका मतलब क्या हुआ? वेरीफाइड. आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड.